मित्रों नमस्कार, जयपुर से सूर्य प्रकाश शर्मा आपके बीच हाजिर हूं एक और ट्यूटोरियल लेकर। आज जिस ऐप को मैंने चुना है ट्यूटोरियल के लिए वो है स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इस ऐप की हमें आवश्यकता क्यों है। दो तीन चार कारण हैं इसके। सबसे पहला कारण कि कई बार ऑडियो फाइल फास्ट स्पीड पर रिकॉर्ड की हुई होती है, हम उसे भी कम स्पीड पर सुनना चाहते हैं। दूसरा कारण, ऑडियो फाइल कम स्पीड पे होती है, हम समय बचाने के लिए उसको फास्ट स्पीड पर सुनना चाहते हैं। तीसरा कारण, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, एक मिनट पीछे या आगे बढ़ना चाहते हैं फाइल में। चौथा, उसमें हम बुकमार्क्स डालना चाहते हैं जहां हम आसानी से बार बार पहुंच सके अगर पढ़ाई संबंधी फाइल है तो ये तीन चार कारण हैं जिसकी वजह से ये ऐप हमें आवश्यक है। ये सुविधाएं हर ऐप में हमें नहीं मिलती हैं, इसलिए हमने इस ऐप को चुना आपके लिए कि इस पर बात करें। मैं डेली बेसिस पे इसका उपयोग करता हूं। आप लोगों में से कई लोग ये महसूस करते होंगे कि दैनिक भास्कर की जो ऑडियो फाइल मैं भेजता हूँ कुछ ज्यादा स्पीड पे होती है, कई बार कोई न्यूज समझ में नहीं आई, थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं। व्हाट्सएप में ये संभव नहीं है, हर एक मीडिया प्लेयर में भी संभव नहीं है, इसलिए हम इस फाइल इस ऑडियो प्लेयर की और स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर की बात करना चाहते हैं। तो मित्रों, जब हम पहली बार इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद लॉन्च करेंगे तो अगर हम एंड्रॉयड 6.0 या उससे हायर वर्जन पर हैं तो ये हमें कुछ परमिशंस मांगेगा, जिसमें एक परमिशन मांगता है बेसिकली, जिसमें मीडिया फाइल्स को एक्सेस करने की बात कहता है, हमें इसको अलाउ करना पड़ेगा। अगर हम एंड्रॉयड 6.0 से बिलो वर्जन पे हैं तो ये परमिशंस इंस्टॉलेशन के टाइम ही ले ली जाती है, इसलिए इस समय नहीं मांगेगा। उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की भी बात इसमें करेंगे। अब जब पहली बार आप लॉन्च करेंगे परमिशंस के बाद तो ये आपसे एक बात पूछता है, सुनिएगा उसको। क्या आप रूट फोल्डर चाहते हैं? रूट फोल्डर मैंने जहां से ये आपकी फाइल्स, उसी फोल्डर को लॉन्च करेगा बाय डिफॉल्ट। तो हम इसमें सेट करेंगे और हम एक से ज्यादा रूट फोल्डर सेट कर सकते हैं। पहले एक फोल्डर रूट सेट करते हैं। इसका मतलब ये कि सारे फोल्डर्स आपके सामने नहीं आएंगे, केवल वही फोल्डर आएगा जो आपने चुना हुआ है। ओके किया हमने इसको। अब हमारे सामने एक फाइल्स की लिस्ट है, उस लिस्ट में फोल्डर्स की लिस्ट है ब्रदर। उस लिस्ट में हम नीचे जाएंगे, इंटरनल मेमोरी के फोल्डर्स हैं और सबसे नीचे चार ऑप्शंस और हैं उन फोल्डर्स के अलावा। फोल्डर्स तो लिस्ट है ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे चार हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट चार बटन हैं, उनकी बताता हूं मैं। कैंसिल बटन लेफ्ट में, एसडी बटन उसके बाद राइट साइड में, एसडी माने इंटरनल मेमोरी से है यहाँ। एसडी टू बटन, इसका मतलब है एक्सटर्नल मेमोरी यानी एसडी कार्ड। ओके बटन। तो बाय डिफॉल्ट ये इंटरनल मेमोरी हमारे सामने आती है। इसमें व्हाट्सएप का मीडिया, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप में मीडिया, मीडिया के अंतर्गत ऑडियो हमें फोल्डर चाहिए, तो हम नीचे जाते हैं क्योंकि वो डब्ल्यू नीचे मिलेगा हमें। व्हाट्सएप, इसको डबल टैप करें। अब मीडिया को डबल टैप करें, व्हाट्सएप ऑडियो को डबल टैप करें। अब जो एड्रेस हमारा क्या आया है वो सबसे नीचे की तरफ है, जो चार ऑप्शंस मैंने बताए थे आपको लेफ्ट टू राइट, उनके जस्ट ऊपर। ये है आपका एड्रेस, ओके करते हैं हम इसको। तो एक हमारा रूट फोल्डर सेट हो गया। अब जैसे हम ओके करते हैं तो हमारे सामने एक और मैसेज आता है। जब भी लिस्ट है इसको रोकते हैं बोलना,
और सबसे नीचे ओके बटन है, उसको ओके करते हैं। ओके बटन डबल टैप किया, अब वो फोल्डर हमारा चुन करके आ गया। लगभग 14 घंटे 32 मिनट के रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल है। वो शो कर रहा है हमें। बहरहाल अब हमें क्या करना है, सबसे ऊपर से देखते हैं क्या ऑप्शन है इसमें। सबसे ऊपर लाइब्रेरी, सबसे लेफ्ट में हमें राइट स्वाइप करिए, फुल स्कैन करिए, मोर ऑप्शंस बटन, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम पहले उस फोल्डर को खोल लेते हैं। इसको डबल टैप करते हैं और अब हमारे पास म्यूजिक ऑडियो प्लेयर हमारा खुल गया है जो डिप। अब उसमें क्या ऑप्शन है, हम ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट ऑडियो बुक पे इसको डबल टैप करते हैं, लेफ्ट साइड में है, टॉप लेफ्ट में, सॉरी ये नहीं, अब देखिएगा फिर से डबल टैप किया, लाइब्रेरी में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस बटन की, बल्कि इसको हम वापस बैक करते हैं। अब हमारे पास सामने है, वापस चलते हैं। इस बटन को नहीं कुछ करना है हमें, राइट स्वाइप कीजिए, फिर राइट स्वाइप, मोर ऑप्शंस बटन। इसमें कुछ सेटिंग्स हमें करनी है, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करनी है। फिर राइट स्वाइप के सेकंड लाइन में आ जाते हैं हम, तो टर्न स्लीप मोड का है इसमें। रात में सोते समय अगर हम चाहते हैं कि आधा घंटे बाद प्लेयर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, फिर टाइम सेट कर सकते हैं। फिर स्वाइप किए राइट साइड, प्लेबैक स्पीड, यहां से प्लेबैक स्पीड आप कम तेज कर सकते हैं। देखिए मैं अभी दिखाता हूं, इसको डबल टैप करता हूं आपको। इसमें क्या ऑप्शन है हमारे सामने, देखिएगा 0.5x, यानी ये जो ओरिजिनल स्पीड से आधी स्पीड हो जाएगी। 0.6x, 0.7x, 0.8x, 0.9x, 1.0x, ये इस समय चेक है 1.0x, यानी नॉर्मल स्पीड 1.0x है। और आगे बढ़ेंगे तो 1.1x, 1.2x, 1.1x, आगे इस तरह से लास्ट में 2.5x तक ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओरिजिनल स्पीड क्या है, 1.0x, इसको हम एक बार ओरिजिनल स्पीड सुनते हैं पहले, आपको तेज करके बताते हैं आपको। विधान सभा प्रावधान, हम लोग हर एक प्रावधान पर चर्चा करेंगे, उसी भी संविधान संशोधन पर भी हम चर्चा करते जाएंगे। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में जैसा मैंने आपको कहा था, ये ओरिजिनल स्पीड थी, प्लेबैक स्पीड चेंज करते हैं अपन 1.3x कर देते हैं, बढ़ा देते हैं स्पीड को, देखिएगा आप। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में जैसा मैंने आपको कहा, 3 सदस्य सदस्य थे ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद, पाकिस्तान के संविधान सभा हो जाने के बाद हम लोगों ने संविधान सभा को भी विभाजित किया, तो उस समय 3 सदस्य हम लोग ये मैंने आपको स्पीड बढ़ा के बताया कैसे बढ़ा सकते हैं इसको। दूसरा बटन क्या है उसके बाद में, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर लिस्ट बटन। इस बटन की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे अभी सेटिंग में जाकर के। बुकमार्क्स बटन, बुकमार्क सेट कर सकते हैं हम, जैसे ये फाइल अभी यहाँ पर रुकी हुई है, हमने पॉज की हुई है, यहाँ पर एक बुकमार्क सेट कर लो मान लीजिए, तो हम इस बुकमार्क बटन को डबल टैप करेंगे, टॉप राइट कॉर्नर में है ऐड बुकमार्क, यहाँ पर डबल टैप कर दीजिए। तो ये डबल टैप किया तो एक नया डायलॉग बॉक्स आया, इसमें टाइटल मान लीजिए डालना है तो 1 डाल देते हैं, सपोज करिए बुकमार्क में टाइटल 1, डिस्क्रिप्शन कुछ डालना चाहें आप इसमें तो डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए जिसमें डाल देते हैं हम अली का ट्यूटोरियल है, अली डाल देते हैं, सपोज फिर हमने स्वाइप किया तो ये फाइल का नाम आ गया, इसमें 1 मिनट और 02 सेकंड्स पे ये बुकमार्क लगाया, कर दीजिए, ये आपका बुकमार्क सेट हो गया। पहला बुकमार्क देखिए, सारी डिटेल जो हमने ऊपर चेक की थी वो, अब बैक हो जाइए।
लॉक बटन ये भी काम नहीं आएगा। नीचे बीच में तीन बटन और हैं, देखिए बीचों बीच प्रीवियस फाइल जाना हो, एक प्ले पॉज, प्ले रहेगा तो पॉज करना है, पॉज है तो प्ले करने का काम आएगा टॉगल बटन, नेक्स्ट फाइल, फिर नीचे चार बटन है इनके नीचे, एक मिनट पीछे करने के लिए बटन लेफ्ट में, फिर 10 सेकंड पीछे करने के लिए, 10 सेकंड आगे करने के लिए, एक मिनट आगे करने के लिए, ये सारे बटन इसमें अवेलेबल है। ये इनकी टाइम को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 10 सेकंड वाले को हम 20 सेकंड भी सेट कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के। अब हम सेटिंग में जाते हैं, देखिए मोर ऑप्शंस में गए, टॉप राइट कॉर्नर लाइब्रेरी, पहला ऑप्शन लाइब्रेरी, मोर सेटिंग्स, तीसरा ऑप्शन सेटिंग्स में जाते हैं, तीन चार सेटिंग, एक सेटिंग है इसको हमें नहीं छेड़ना, कोई चेंज नहीं करना है, स्लीप मोड में भी कुछ नहीं करना, फुल वर्जन सेटिंग इसमें चलते हैं हम, बूस्ट बटन ऑडियो बटन के लिए इसको हम चेक कर देंगे, एक नया बटन आ जाएगा इसको चेक कर देते हैं, कई बार रिकॉर्डिंग कम आवाज धीमी होती है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो इसको चेक कर देते हैं, इसको इसकी हमें जरूरत नहीं, साउंड क्लाउड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नहीं जरूरत है हमें, स्पीड कम तेज करने का बटन जो ऑलरेडी वहां पर है हमने देखा, चेक है, कैरेक्टर लिस्ट इसको हम हटा देते हैं, चेक है अनचेक कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, बाकी चीजें हमें नहीं टच करनी, बैक करते हैं एडवांस, लास्ट ऑप्शन है उसको चेक देख लेते हैं, थीम डार्क चाहिए लाइट चाहिए, जो टोटली ब्लाइंड है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको थोड़ा सा विजन है वो डार्क थीम पसंद करेंगे, जैसे मैं भी चाहता हूँ तो मैं डार्क चूज कर लेता हूँ, यहाँ पर पहला हो गया थीम, अच्छा इसमें कुछ एग्री रखना है, मैं चेंज नहीं करना, इसके नीचे आइए, रिवाइंड और फॉरवर्ड में कितना बटन्स की जो वैल्यू सेट करने का ऑप्शन है, 10 सेकंड है स्मॉल, मैं इसको 15 पे रखता हूँ अपने यहाँ, 3 सेकंड भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, मैं 15 सेट करता हूँ इसको, बिग 1 मिनट का है उसको भी बढ़ा सकते, 10 मिनट तक कर सकते हैं, 1 मिनट काफी है, मैंने चेंज नहीं किया, ये सारे ऑप्शन है, बाकी हम टच नहीं करना, फिर बैक किया और एक बार फिर बैक किया, अब हम मैं प्लेयर पे आ गए हैं, पॉज हिस्से में, अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कोई नया फोल्डर रूट फोल्डर में कैसे डाले, तो जब प्लेयर खुला हुआ है, जब आप प्ले हो या पॉज कर सकते हैं फाइल को, तब मोर ऑप्शंस में जाइए, मोर ऑप्शन टॉप राइट कॉर्नर में, डबल टैप लाइब्रेरी, पहला ऑप्शन लाइब्रेरी, इसको डबल टैप कीजिए, फिर अब आप देखिए आपके सामने है लाइब्रेरी, मोर ऑप्शन ये आपकी स्थिति है इसमें, 15 घंटे 6 मिनट की बता रहा है रिकॉर्डिंग, तो अब हम क्या करेंगे, मोर ऑप्शंस में जाएंगे यहाँ पर फिर से, मोर ऑप्शन लाइब्रेरी में खोलने के बाद में फिर मोर ऑप्शंस में दोबारा जाएंगे, फिर सेटिंग्स को, सेटिंग्स में चुनने के बाद अब देखिए ऑप्शन क्या आते हैं हमारे सामने, टॉप नेविगेट अप सेटिंग, एड रूट फोल्डर, इस पे बाद में आएंगे, आगे चलते हैं, पहला फोल्डर है हमारा यहाँ पर, इसको रेंदी
दीजिए इसको अनचेक्ड इन। अब वापस उसी बटन 159 एड रूट फोल्डर टॉप राइट कॉर्नर पे डबल टैप कीजिए, आपके सामने फोल्डर्स के लिए। अब मैं जैसे मैं एट वॉइस फोल्डर चाहिए मुझे, मान लीजिए मेरा एट वॉइस फोल्डर मेमोरी कार्ड पे होता था, मैं इसमें नीचे के चार ऑप्शंस मैंने बताए थे आपको, कैंसिल SD2 बटन ओके बटन, इसमें SD2 चुनूंगा मैं, SD2 बटन तो SD कार्ड के फोल्डर्स मेरे सामने हैं। 14 hours 0 minutes ये क्लॉक बीच में डिस्टर्ब कर रही है, बहरहाल कोई बात नहीं। एट वॉइस इसको डबल टैप किया, अब देखिए एड्रेस क्या आ रहा है नीचे देखिए, ओके कर दिया। अब देखिए दो हमारे पास फोल्डर्स हो गए हैं, जब ओके करने के बाद देखिए ऊपर ऊपर देखिए बटन एक की जगह दो हो गए टॉप राइट कॉर्नर में, सबसे राइट में तो वही है, उसके जस्ट लेफ्ट में एक नया बटन आ गया रिमूव रूट फोल्डर। अगर आपको रिमूव करना है कोई फोल्डर तो इसको बटन दबा करके जो लिस्ट आएगी उसमें से एक जिसको बैठाना उसको चेक कर टैप के लिए वो हट जाएगा। हमें ऐड करना है अभी तो राइट स्वाइप करते हैं वापस फोल्डर फिर से, और अब हम इंटरनल मेमोरी से डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। कई बार मैं BBC के प्रोग्राम्स डाउनलोड कर लेता हूँ, वो भी इसी में सुन लेता हूँ स्पीड बढ़ा करके। डबल टैप ओके बटन। अब ये तीन फोल्डर मैंने तीन फोल्डर हो गए मेरे पास। चलिए तीसरा बैक कीजिए, बैक करेंगे तो ड्रॉप डाउन जहां बोल रहा है इसका मतलब ये इनमें से आप कोई फोल्डर चुन सकते हैं, अभी कौन से मिस ना आपको जैसे मान लीजिए डबल टैप किया इसको ये एडवॉइस फोल्डर चुन लिया मैंने, यहां से डबल टैप किया एडवॉइस। अब फुल स्कैन करना है इसको, फुल स्कैन करें ताकि जो भी नई फाइल सेलेक्ट की हमने वो स्कैन होकर अंदर आ जाए इसमें। अब लिस्ट आएगी और अब आगे बढ़िए फुल स्कैन अपनी ऑप्शन उसके नीचे और ये प्लेयर आपके सामने आ गया, इसको प्ले प्ले करते हैं, प्ले पॉज है। पारित करके विज्ञापन एजेंसियों एवं अन्य कंपनियों को इंटरनेट यूजर की गतिविधियां देखने की छूट दे दी है। इसके लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता वैश्विक संगठन ISP से कहा गया है कि वे यूजरों की जानकारी विज्ञापन एजेंसियों तक अन्य पॉज करते हैं, इसकी स्पीड बढ़ाते हैं प्ले बैक स्पीड अभी 1.0x है 1.2 किया प्ले करते हैं। इसके लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता वैश्विक संगठन ISP से कहा गया है कि वे यूजरों की जानकारी विज्ञापन एजेंसियों तक अन्य कंपनियों को देते हैं। स्पीड कम करते हैं 0.8x कर देते हैं, 2 point नीचे चले जाते हैं नॉर्मल स्पीड से प्ले करते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता वैश्विक संगठन ISP से कहा गया है कि वे यूजरों की जानकारी विज्ञापन एजेंसियों और अन्य कंपनियों को दे इसके विपरीत वे मुख्य अब इसी तरह से तो ये है आपका स्मार्ट ऑडियो बुक प्लेयर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये ट्यूटोरियल, आपको कुछ फायदा होगा इससे। और इसमें एक चीज और बता दूं कि जब भी आप नई फाइल्स आपके फोल्डर में ऐड होती हैं तो आप लाइब्रेरी में जाके उस फोल्डर को चूज करिए
और चूज करने के बाद में कॉम्बो बॉक्स में से चूज कर लीजिए, उसके बाद फुल स्कैन बटन प्रेस कीजिए, ओके करिए और फिर उस फोल्डर को प्ले करिए ताकि नई फाइल्स को डिटेक्ट कर सके प्लेयर। उम्मीद करता हूँ फिलहाल इस ट्यूटोरियल को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।